ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में चुनाव चाहे सरपंच का हो या सांसद का, राजपूत समाज हमेशा ही किंग मेकर की भूमिका में रहा है। वही राजपूत समाज में ही एक ऐसा संगठन है जब सियासी समीकरण बदले और बिगड़ते हैं, जिसने किसी पार्टी को अर्श दिखाया तो किसी को फर्श। यही कारण है कि राजनीति के धुरंधर यहां हाजिरी लगाते नजर आते हैं, क्योंकि ये है राजपूतों का पावर सेंटर। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ को स्थापित करने और फिर बीजेपी को मजबूती देने में राजपूत समाज की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। तंत सिंह ने क्षत्रिय युवक संघ की नींव रखी थी और इसे ठीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर डाला, विशुद्ध राजपूत संगठन के तौर पर क्षत्रिय युवक संघ को खड़ा कर दिया। आगे चलकर राजपूत आरक्षण आंदोलन के वक्त क्षत्रिय युवक संघ की कोख से ही प्रताप फाउंडेशन ने जन्म लिया। राजनीतिक तौर पर क्षत्रिय युवक संघ खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन पर्दे के पीछे भूमिका इतनी मजबूत है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। आज क्षत्रिय युवक संघ की कमान भगवान सिंह रोल साहब सर के हाथों में है, जिन्हें राजपूत समाज के अंदर आदर और सम्मान से देखा जाता है। बाड़मेर से लेकर धौलपुर तक इनका निर्देश समाज के लोगों के लिए स्वीकार्य है। इन्हीं रोल साहब सर की शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त कर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजनीति में कदम बढ़ाए और तंत सिंह से प्रेरणा लेकर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के औहदे पर पहुंचे। निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मैंने अपने बचपन से इसी संगठन के साथ में अपना जीवन प्रारंभ किया था और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि मैं आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए मेरे जीवन के संबल और प्रिय पूजनीय तंत सिंह जी के आशीर्वाद, मुझे लगा है उन्होंने जो सिखाया उसी क्रम में चलते हुए यहाँ पहुंचे। राजपूत समाज की अग्रणी संस्था आमतौर पर खुद को विवादों से दूर रखती है। ये अलग बात है कि राजपूत समाज से जुड़ी मांगों को लेकर उन्हें समय समय पर सामने आना पड़ता है। आनंदपाल प्रकरण के वक्त यही हुआ और क्षत्रिय युवक संघ को सामने आना पड़ा। बीजेपी के मौजूदा शासन के खिलाफ प्रतिरोध करना पड़ा, हालांकि समय रहते सरकार ने समाधान निकाल लिया और मारवाड़ के ही जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी सरकार में मंत्री बनाना ही पड़ा। परिवार में रहते हुए किसी छोटी छोटी चीज को लेकर के शायद कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। घर परिवार में रसोई में बर्तन भी आपस में टकराते हैं, उनसे आवाज निकलती है, लेकिन कभी भी कोई विद्रोह नहीं करता। पारिवारिक समस्याओं का समाधान अगर कहीं किसी के भावनाओं को कहीं आहत हुई है तो निश्चित रूप से उसमें मिल बैठ करके बात करके विचार करें। राजपूताना की राजनीति में राजपूत समाज की भूमिका व्यापक, सरपंच से लेकर सांसद तक बड़ी तादाद में इसी समाज के लोग चुनाव जीतते आए हैं। कभी राजे रजवाड़ों आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 11% राजपूत है। इसमें अगर रावणा राजपूतों को भी शामिल कर लिया जाए तो यही आंकड़ा 14% पर पहुंच जाता है। राजपूतों का 40 से 50 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, वहीं 40 सीटों पर तो राजपूत किंग मेकर की भूमिका में है। वहीं लोकसभा की 20 से 22 सीटों पर भी राजपूत प्रभावी हैं। बहरहाल मोदी सरकार में 2 राजपूत मंत्री हैं। वहीं विधानसभा में राजपूत समाज से 27 विधायक आते हैं। वहीं आगामी उपचुनावों की बात की जाए तो अजमेर लोकसभा सीट पर जहां 2 लाख राजपूत मतदाता हैं, वहीं मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजपूतों की तादाद 20 से 25 हजार है। चुनावों में राजपूत समाज की भूमिका और क्षत्रिय युवक संघ की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संघ शक्ति मुख्यालय पहुंचे और भगवान सिंह रोल साहब सर से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर भी यहां आकर रोल साहब सर से सामाजिक और सियासी मंथन कर चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे तक सभी बीजेपी क्षत्रपों ने क्षत्रिय युवक संघ की ताकत को जाना है, समय समय पर इनका सहयोग और मदद भी ली। इतना ही नहीं, आरएसएस के सरकारीवाह भैया जी जोशी भी क्षत्रिय युवक संघ के शिविर में आ चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का तो यहाँ अक्सर ही आना जाना होता रहता है। राजपूत जनप्रतिनिधि भी यहाँ विशेष मौकों पर आकर बैठकें करते हैं और दिशा निर्देश प्राप्त करते रहते हैं। अब गजेंद्र सिंह शेखावत भी संघ शक्ति की पौध ही है। हाल ही में मोदी सरकार में मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत संघ शक्ति में ही पले बड़े और दीक्षित हुए। क्षत्रिय युवक संघ और तंत सिंह की प्रेरणा से ही उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर अब केंद्र की राजनीति में अपना परचम लहराया। जाहिर है राजस्थान में राजपूत शक्ति केंद्र के रूप में क्षत्रिय युवक संघ को जाना जाता है।
अब आगामी राजनीतिक सरगर्मियों और चुनावों के मद्देनजर ये शक्ति केंद्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट कजूड़ के साथ योगेश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।